वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। मैं निजाम, आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। इसके साथ साथ आपका कुछ क्वेश्चन है उसको भी लेंगे, जो जो कि टेलीग्राम पे आपने शेयर किया है। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो शोर के भी बारे में बात करेंगे। मेक श्योर वीडियो जरूर रहते देखिएगा, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब तो बनती है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ भैया, आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियोज ही शेयर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि बाइंग कॉल सेलिंग कॉल भी मैं शेयर करता हूँ। मैं खुद जो बाय करता हूँ उसका भी स्क्रीन शॉट आप सबसे शेयर करता हूँ, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। सो दैट जरूर यहाँ पर आके जुड़िएगा। बात करते हैं सबसे पहले भैया आपके कुछ क्वेश्चन की, जिसको आपने पूछा था। जहाँ दोस्तों अगर आप देखें तो एक भाई ने यहाँ पर पूछा था कि भाई नाकामोटो गेम स्कैम है क्या। तो भैया देखो, एक बात मैं बता दूँ कि ये काफ़ी लोग बिटकॉइन को भी स्कैम बोलते थे, तो क्या हो गया, आज तक नहीं हुआ। काफ़ी लोग भरोसा करते थे लूना के ऊपर, लेकिन क्या हुआ, हो गया ना स्कैम। काफ़ी लोग भरोसा करते थे FTT के ऊपर, FTX के ऊपर, हो गया ना स्कैम। सो दैट देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कौन क्या प्रोजेक्ट करने आया है, कौन स्कैम करने आया है, कौन जेन्युइनली काम करने आया है, ये कहना और बताना या बोलना बहुत हार्ड है। बोल कोई भी देगा, बट ये मतलब 100% एग्जीक्यूशन कि भाई ये चीज़ होगा ही होगा, बहुत हार्ड है। नाकामोटो गेम बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है, लाइक दैट जैसे कि स्टीम है, लाइक दैट जैसे एपिक गेम है, उसी की तरह दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकचेन गेम्स यहाँ पर लाइव हो सकते हैं, और काफ़ी अच्छा ये काम भी कर रहा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा। सो दैट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर होगा भी तो $1 बिलियन पर जाते जाते ये स्कैम करेगा, जब तक हमने ऑलरेडी यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, सो दैट ये चीज़ें हमें अभी नहीं सोचना है, अभी इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर से जनरेट करें। दूसरा, एक भाई ने सैट्स के बारे में पूछा था, सैट्स ऑरिजिनल बाइक करें या नहीं। सो देखो यार, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं खुद भी वीडियोस के अंदर शेयर करता हूँ, बाइंग कॉल आप सबसे बताता हूँ। सैट्स BRC20 का भले ही प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी बहुत बड़े आई थिंक मार्केट कैप के साथ ऑलरेडी बैठा हुआ है। मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो 1 बिलियन से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से जो है सिर्फ 40-50% ही नीचे है। ओवरऑल हम देखें तो कहीं ना कहीं अभी ओवर वैल्यू है, मेरे अकॉर्डिंग ओवर वैल्यू मुझे लग रहा है। सो दैट अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर करके, बहुत सारे प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप जो नया प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो दैट थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप सभी का जो कि मैंने लिया है। जहाँ दोस्तों इस ग्रुप में भैया फ्यूचर ट्रेड नहीं होता है, जहाँ दोस्तों यहाँ पर सिर्फ स्पॉट के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है भाई, जो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा लॉस हो, ठीक है। सो दैट ये चीज़ें हैं, चलते हैं आप थोड़ा सा मार्केट का अपडेट लेते हैं और मार्केट के बारे में जानते हैं। तो भैया यहाँ पर जो है बिटकॉइन $69,229 पे आ चुका है, $3,382 पे आ चुका है। मेरी वीडियो आप कल की जाके देख लो, मेरी वीडियो आप परसों की जाके देख लो, एवरी डे मैं आपको यही चीज़ें बताता रहा हूँ कि मार्केट डाउन है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है, बाय करो अभी कॉइन्स को, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर बाउंस बैक कर सकता है। काफ़ी सारे कॉइन्स को मैंने आप सबको सजेशन भी दिया था जो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। लाइक दैट फेवरेट लिस्ट पे चलते तो चेक्स 44% से पंप है भैया, लाइक दैट RMV 34% से पंप है, मूवी 24% से, SAVM भैया 18% से, हमारे सभी क्वाइन ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब डंप हो, जब नीचे जा रहा है तो यार बाई करो, तब हमें टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, है ना। और ये चीज़ें आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हो। कल भी मैंने आपको चेक्स का कॉल दिया था, कल की वीडियो में आप जाके वॉचआउट कर लेना कि भाई इसको बाय कर लो। मैंने आपको RMV का पहले ही कॉल दिया था, लेकिन कल 45 में मिल रहा था, तो मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, जरूर बाय करना, क्योंकि मैंने 50 के ऊपर बाय किया था, फिर ये नीचे गया और आज देखो यार 58 पे ट्रेड कर रहा है। सो दैट ये चीज़ें थोड़ा सा किया कीजिए, एग्जीक्यूशन करना आपका काम है, मेरा काम है बताना, और प्रॉफिट भाई अपने आप ही मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है पेशेंस रखना होता है। आज का जो है दोस्तों, अगर हम बात करें हैमस्टर कॉइन के ऊपर फोकस कीजिए दोस्तों, हैमस्टर कॉइन को फोकस नहीं, बाय कीजिए इसको, NEI कॉइन को बाय कीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। FYN थोड़ा सा देख सकते हैं इसके बारे में भी, देन अगर हम देखें तो भाई मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ वोल्ट इनो को लेकर कि ये बनास के ऊपर बहुत जल्दी लिस्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद काफ़ी सारे कॉइन हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 3 कॉइन सजेस्ट कर दिया, यहाँ पर से आप 3 कॉइन को एकोमोडेट कीजिए, उसके नज़र उसके ऊपर थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं भैया बायबिट के ऊपर, बायबिट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, हमारे सभी कॉइन जो है काफ़ी अच्छा ग्रीन ग्रीन यहाँ पर माहौल बना दिया। यही चीज़ें होता है यार, जब पंप करना स्टार्ट कर गया ना, कर रहा है तो आप बाय करोगे, जब डंप में था, नीचे था, फिर आप पूछे भी नहीं और बाय भी नहीं किए, और आज फिर आप बोलोगे यार ऐसे है वैसे है। सो दैट ये थोड़ा सा दिक्कत है भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत है आपको। नीचे जब
जब जाए तो फिर आपको बाय करना। अभी अगर हम बात करें तो देखो वर्चुअल वर्जन काफ़ी अच्छा आपको मौका दे रहा है इसको बाय करने का, थोड़ा सा आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। ग्रैप कॉइन आपको मौका दे रहा बात करने बाय करने का, इसको थोड़ा सा देख सकते हो। GMRX थोड़ा सा आपको बाय करने का मौका दे रहा है, थोड़ा सा इसको बाय कर सकते हैं। सो दैट ये कॉइन्स आपको मौका दे रहा है, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा खासा आपको आने वाले टाइम के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। और ये चीज़ आप भूल जाओ कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बुल रन है, थोड़ा सा देर से ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये चीज़ सोच लेना। बुल रन के अंदर कूड़ा करकट भी जो है ना भाई बहुत तगड़ा रिटर्न देखे जाता है। सो सर बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, ये मेरा थर्ड आई थिंक अगर हम देखें बुल रन है, और मैंने ये चीज़ें नोटिस किया है, ये चीज़ें मैंने देखा है भाई हमेशा से ही कि बुल मार्केट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आता है नया हो पुराना हो, खास कर नए प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं और नए प्रोजेक्ट ज़्यादा बेनिफिट भी देते हैं। और मैंने जो कॉल दिए हैं वो सारे के सारे नए कॉइन हैं, सारे के सारे फर्स्ट एवर अपना बुल रन को फेस कर रहे हैं। सो दैट जरूर इसके ऊपर जो है जो ऐसा फोकस कीजिएगा। इसके साथ साथ बेबी डॉज कॉइन भाई अगर हम बात करें तो आए दिन काम कर रहा है, ठीक है, देर लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी ट्रस्ट है कि इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी आप अपना भी ओपिनियन जरूर कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा। जहाँ तो काफ़ी अच्छा यूटिलिटी इसका जरूर बन रहा है, इसका NFT भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर गया, चेस गेम भी ठीक ठाक चल रहा है। सो दैट देखिएगा आप अपना भी थोड़ा सा जो है आई थिंक ओपिनियन कमेंट में अंदर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है, कितना जीरो किल हो सकता है और कितना गुना यहाँ पर ये प्रॉफिट दे सकता है जहाँ, और कब तक दे सकता है आपको क्या लगता है, क्योंकि हमेशा मैं ही बताता हूँ, आज आप बता के देखना ठीक है कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है। बाकी भाई वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर हिट करना। जी दोस्तों, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आज की तरह गुड बाय।